हेलो गाइस, क्या आपने कभी कोई ऐसा म्यूज़ियम देखा है जो बिल्कुल देखने में लगता है एक बुक की तरह? तो ये देखिए, ये है एक ऐसा म्यूज़ियम जो देखने में लगता है बुक की तरह। ये है भीमराव अंबेडकर का म्यूज़ियम। हेलो गाइस, आज हम जो है अंबेडकर म्यूज़ियम जा रहे हैं, तो हम आपको दिखाएंगे कि अंबेडकर म्यूज़ियम में क्या है और वो कैसा है। तो आइए चल। ये आप देख सकते हैं कि मैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पास पहुंच गया हूं। अब मैं इस म्यूजियम के अंदर जाऊंगा, तो चलिए हम लोग चलते हैं म्यूजियम के अंदर। आप देख सकते हैं कि मैं भीमराव अंबेडकर म्यूजियम पहुंच गया हूं, और ये है भीमराव अंबेडकर म्यूजियम का। ये मैं आपको बाहर का दिखा रहा हूँ, ये देखिए आप। ये जो है भीमराव अंबेडकर के, ये बाहर का है, और ये देखिए। काफ़ी अच्छा यहाँ पे इंतज़ाम है, और यहाँ पे काफ़ी अच्छा व्यू है। ये आप सामने देख सकते हैं, मेरे हड़प्पा संस्कृति का जो है कुछ ये बना हुआ है। देखिए, ये काफ़ी ऊपर हाथी बना हुआ है और काफ़ी कलाकृतियाँ करी हुई है। ये जो हड़प्पा संस्कृति का आपको याद दिलाता है कि यहाँ पे कुछ इस तरीके का बना हुआ। ये काफ़ी अच्छा बना हुआ है। आप जब मेट्रो से आएंगे तो सिविल लाइन उतरेंगे, सिविल लाइन से जब आप बाहर निकलेंगे तो ये वॉकिंग डिस्टेंस पर ही ये भीमराव अंबेडकर का म्यूज़ियम बना हुआ है। आप देख सकते हैं कि ये जो है पीछे का व्यू है, और देखिए पीछे जो है काफ़ी झरना वगैरह चल रहा है। और ये भीमराव अंबेडकर का जो ये म्यूज़ियम है, ये पीछे से आप देखिए, ये पीछे से भी इस तरीके से बना हुआ जैसे कोई बुक रख का पेज रखा हुआ हो। और यहाँ पे देखिए काफ़ी अच्छा ये झरना चल रहा है, और ये देखिए दीवार से ऐसा लग रहा है कि जैसे पानी निकल रहा हो। ये देखिए पीछे दीवार से ऐसा लग रहा है कि जैसे पानी दीवार से निकल रहा हो। ये देखिए काफ़ी अच्छा यहाँ पर व्यू है। यहाँ पे आप आइए, यहाँ पे देखिए काफ़ी अच्छा है, और काफ़ी चीज़ आपको यहाँ पे अच्छा लगेगा देखने में। अभी अभी मैं भीमराव अंबेडकर के म्यूजियम में आया हूँ। ये आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति बनी हुई है, और ये देखिए आप यहाँ पे भीमराव अंबेडकर का बना हुआ है। ये देखिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ये है उनकी मूर्ति। और मैं अभी यहाँ पे आया हुआ हूँ इनका, यहाँ पे जो ये है म्यूजियम है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का, तो ये आप देख सकते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल को हुआ था। कोलंबिया विश्वविद्यालय और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स दोनों से विश्वविद्यालय से इन्होंने अर्थव्यवस्था में डॉक्टरी की डिग्री हासिल की थी। अर्थव्यवस्था और राजनीति विकास में शोध कार्य भी इन्होंने किया था। व्यवसायिक जीवन के स्टार्टिंग बाद में उन्होंने राजनीति में शामिल हो गए थे, और भारत की स्वतंत्रता के लिए प्रचार और चर्चाओं में काफ़ी टाइम ये रहे थे। हिंदू पथ में व्याप्त क्रूरताओं और छुआछूत की प्रथाओं को भी इन्होंने आवाज़ उठाया था कि ये जो छुआछूत का प्रथा है इसे हटाने के लिए, और इस इन्हीं के देन है जो आज छुआछूत प्रथा हट गया। तो आइए अब हम चलते हैं इस म्यूज़ियम के अंदर। ये है म्यूज़ियम का गेट, और अब हम इसके अंदर जा कर के देखेंगे कि अंदर में उनकी क्या प्रतिभा है और उन्होंने क्या दिखाया है। तो ये अब हम चलते हैं अंदर। ये देखिए आप जो सामने ये जो बना हुआ, ये बिल्कुल बुक जैसा बुक होता है वैसा ही ये बना हुआ। अगर हम ऊपर से इसे देखेंगे तो ये बिल्कुल बुक की तरह दिखेगा। आइए चलते हैं अंदर। इसके अंदर जो है रिकॉर्डिंग करना मना है, लेकिन हम ब्लॉगर कहाँ रुकते हैं, हमें तो रिकॉर्डिंग करना है और आप दर्शकों को दिखाना है। हमारे चाहने वालों को हर हाल में हमें वहाँ का व्यू दिखाना होता है जहाँ हम जाते हैं। तो बस हमने कर लिया रिकॉर्डिंग, और ये आप देख रहे हैं कि ये भीमराव अंबेडकर के अंदर जो है ये किस तरीके का बना हुआ है। ये पुरानी बिल्डिंगें सब हैं उस टाइम की जब भीमराव अंबेडकर थे, और ये अंदर जो है ये कई टीवी वगैरह चल रहा है। और ये देखिए पूरा अंदर जो ज़्यादा लाइट नहीं था, किसी किसी हिस्से में लाइट है और कहीं कहीं पे नहीं है।
और ये आप देख सकते हैं यहाँ पे जो बना हुआ वो इस तरीके से दर्शाया गया है कि भीमराव अंबेडकर जो है एक गेट के पास बैठे हुए हैं, एक किला ऐसा बना हुआ है और वहाँ पे वो कुछ बोल रहे हैं, और यहाँ पर भी उन्हीं के आकृति जैसा बना हुआ है कि एक मकान है और मकान के अंदर वो बैठे हैं और खिड़की से कुछ बोल रहे हैं, और ये पूरा जो है एक बिल्डिंग नुमा जगह बना हुआ है कि यहाँ पे पूरा उस टाइम का बिल्डिंग का स्ट्रक्चर बना हुआ है कि किस तरीके का है। और ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो बना हुआ है ये देखिए लोग ऊपर भी खड़े हुए, ये इस तरीके से बना हुआ है कि लोग आके यहाँ पे देखें। और ये देखिए यहाँ पर भीमराव अम्बेडकर जो है एक पेड़ के पास बैठ करके वो कुछ सोच रहे हैं, और ये उस तरीके का आकृति यहाँ पर बना हुआ है। और ये देखिए यहाँ पे जो अंदर जो है ये पूरा एरिया देखिए किस टाइप का है, ये यहाँ पे दरवाज़ा है, यहाँ पे सारे फ़ोटो भीमराव अम्बेडकर के, और उस टाइम में जो जो लोग थे उनके साथ उन लोगों का भी वहाँ पे फ़ोटो लगा हुआ है। और ये आप देख सकते हैं ये इसके नीचे भी है, अभी हम नीचे भी चलेंगे। ये देखिए आगे जो है गार्ड वगैरह खड़े हैं इसलिए कि कोई रिकॉर्डिंग वगैरह ना करे। और उस यहाँ पर देखिए भीमराव अम्बेडकर जो है यहाँ पर बोल रहे हैं कि उनका मतलब कुछ ऐसा रोबोट टाइप का बना हुआ है जो वो एक्टिविटी भी कर रहे हैं और बोल भी रहे हैं। और यहाँ पे आप देखिए पूरा स्क्रीन लगा हुआ है, उनके बारे में बताया जा रहा है कि किस तरीके का, और ये जो बना हुआ बिल्डिंग है जो भी ये म्यूज़ियम बना हुआ है वो किस तरीके का बना हुआ आप यहाँ देख सकते हैं। प्रथम कानून मंत्री 1947 अपनी प्रतिभा प्रोत्साहित कानून के लिए यहाँ पे जो है बनाया गया, यहाँ पे जो है कानून लिखा जा रहा है, और यहाँ पे जितने लोग कानून लिख रहे हैं ये उनका है। और ये इंडिया गेट का उस टाइम का भीमराव अम्बेडकर के टाइम में कैसा था वो आप देख सकते हैं। और यहाँ पे ऐसे सारे लोग जो है ये लोग लिख रहे हैं, देखिए नेहरू जी हैं और इंदिरा गांधी हैं और भी सारे लोग यहाँ पे जो है वो कानून लिख रहे हैं, वो कानून की बुक है जो उस टाइम में लिखा गया था इंडिया के लिए, ये वो कानून है। ये देखिए आप पीछे मेरे जो है भीमराव अंबेडकर का ये रोबोट बना हुआ है और इस पे ये कुछ स्पीच दे रहे हैं, और देखिए कि लग रहा है जैसे कि बिल्कुल वो जैसे जीवित हैं और वो बोल रहे हैं। और ये देखिए ये जो जैसा ये बना हुआ है ये बाहर म्यूज़ियम, ये उसका जो है अंदर एक डेमो ऐसा बना हुआ है कि ये किस टाइप का, ये देखिए आप देख सकते हैं कि ये जो बना हुआ म्यूज़ियम है बिल्कुल बुक जैसा है। जी हाँ, अगर हम इसे ऊपर से देखें तो बिल्कुल बुक जैसा बना हुआ है। और यहाँ पे उनके साथ जो लोग थे वो उन लोगों का इमेज लगा हुआ है कि उस टाइम में भीमराव अम्बेडकर के साथ कितने लोग थे और कितने लोगों ने इनको सपोर्ट किया था। तो अंदर जो बना हुआ है ये काफ़ी अच्छा बना हुआ है, जिस तरीके से ये वीडियो में नहीं दिख रहा, अगर आप वहाँ पर जाएंगे तो अच्छा दिखेगा। जहाँ पे मैं अभी गया था जहाँ पे भीमराव अम्बेडकर थे, ये देखिए मैं दूर से आपको दिखा रहा हूँ कि ये किस तरीके का, अंदर लाइट बहुत ही कम है, बस इतना है कि लोग जाएंगे तो वहाँ पर रिलैक्स फील होगा और कुछ उस टाइम के चीज़ें सीखने और जानने को मिलेगा कि भीमराव अम्बेडकर के टाइम में क्या था और वो इतने पढ़ने लिखने वाले थे। और ये देखिए मैं अब नीचे जा रहा हूँ, नीचे भी बना हुआ है, तो आइए चलते हैं नीचे। यहाँ पे जब मैं नीचे आई देखिए बुक जो है ऑटोमेटिक अपने से इसका पेज पलट रहा है, ये जो उनके टाइम में भीमराव अम्बेडकर के टाइम में कुछ बुक थी ये उसका व्यू बनाया गया है। ये देखिए आप पीछे बुक अपने से पलटी, और यहाँ पे सारा उनके साथ जो लोग थे या जिन्होंने उनके साथ भागीदारी लिया था हिस्सा लिया था ये उन लोगों के बारे में यहाँ पर पूरा हिस्ट्री लिखा हुआ है और लोग उसको देख रहे हैं, पढ़ रहे, जान रहे। और ये देखिए अंदर जो है ये बना हुआ है कुछ कलाकृति यहाँ पे काफ़ी, और ये देखिए नीचे, और यहाँ पे भीमराव अम्बेडकर का पूरा सामान रखा हुआ है कि कैसा उनका सोफ़ा था। और ये लास्ट में यहाँ पे महात्मा बुद्ध का मूर्ति बना हुआ है, बस यहीं पे ये होता। तो गाइस ये था भीमराव अम्बेडकर साहब का म्यूज़ियम और ये काफ़ी अच्छा है, आप यहाँ पे आएँ। तो ये ब्लॉग मेरा होता है यहीं पर ख़त्म, आप हमारे ब्लॉग को सब